नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने किसी भी फोटो से अपना पीएनजी यानी कि ट्रांसपेरेंट फोटो कैसे बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको पीएनजी और ट्रांसपेरेंट फोटो की जरूरत वहां पर पड़ती है जब आपको अपने यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना पड़ता है या फिर आपको उसकी जरूरत कहीं पर भी पड़ जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि आप कैसे अपने किसी भी फोटो का पीएनजी या ट्रांसपेरेंट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में आ जाना है और पिक्सल लैब एप्लीकेशन को सर्च करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। देखिए, पिक्सल लैब एप्लीकेशन कुछ इस तरीके आपको नज़र आएगी, इसको आपको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ये न्यू टेक्स्ट है, इसको आपको डिलीट कर लेना है यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। तो चलिए डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और ओके किया, ये डिलीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए टू लेयर वाला ऑप्शन है जो है यहाँ पर, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको ट्रांसपेरेंट इमेज को सिलेक्ट करना है, ट्रांसपेरेंट पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए इस पर क्लिक की दिया, आपका बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब आपको वह फोटो सेलेक्ट करना है जिसको आपको ट्रांसपेरेंट बनाना है, पीएनजी बनाना है या कह लें कि आपको स्टिकर बनाना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसमें अपनी गैलरी में से फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है जिस फ़ोटो को आपको पीएनजी फॉर्मेट में बनाना है या ट्रांसपेरेंट बनाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं अपने चैनल का जो लोगो है उसको आपको ट्रांसपेरेंट बना के दिखाऊंगा। ये देखिए साइबर हिंदी CH, यहाँ पर देख सकते हैं इसके चारों तरफ वाइट कलर का जो है बैकग्राउंड है, तो ये हमको ऑटोमेटिक हट जाएगा सिर्फ एक क्लिक में। तो चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। अब आपको इसको PNG बनाना है तो सिंपली आपको यहाँ पर देखिए बीच वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते ही आपको स्क्रॉल करना है इधर, वो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ गया है इरेज कलर, आपको इस वाले फीचर्स पर क्लिक करना है इरेज कलर। इस पर क्लिक करते ही आपको इसको इनेबल्ड कर देना है। ये देखिए इनेबल्ड कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड का वाइट कलर था सब गायब हो गया और ये PNG फॉर्मेट में बन गया है। मैं आपको इसको यूज़ करके भी दिखाऊंगा कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं जब आप अपना थंबनेल वगैरह बनाते हैं। तो चलिए अब इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पर सेव करने के लिए आपको यहाँ पर दिख जाता है, इस पर आपको क्लिक करके इसको सेव कर लेना है और यहाँ पर सेव एज इमेज पर क्लिक करना है और सेव टू गैलरी इस पर क्लिक करके इसको आप सेव कर लीजिए। ये देखिए इमेज आपका सेव हो गया है। चलिए मैं अब आपको एक थंबनेल बनाकर दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल में पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लिया है और यहाँ पर आपको प्लस वाले साइन पर क्लिक कर देना है और थंबनेल बनाने के लिए आप अपना फॉर्मेट चूज़ कर लीजिए, जो यूट्यूब थंबनेल का फॉर्मेट होता है उसको आप चूज़ कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी आपको दिखाता हूँ करके। ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है उसका यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सिंपली ऐड फ़ोटो पर क्लिक करना है। ऐड फ़ोटो पर क्लिक किया और देखिए ये मैंने अभी PNG बनाया है, एक तो ये है और आपको जो बिना PNG का है पहले मैं आपको वो सेलेक्ट करके दिखाता हूँ और जिससे आपको पता चल जाएगा कि PNG किस तरीके से काम में आता है। तो सिंपली मैं यहाँ पर अपना ओरिजिनल लोगो जो है वो यहाँ पर पहले आपको लगा के दिखाऊँगा। ये देखिए ये मेरा ओरिजिनल लोगो है, तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऐड पर क्लिक करके। ये देखिए जब आप इसको ऐसे अपने थंबनेल पर लगाते हैं तो इसका देखिए बैकग्राउंड में जो वाइट कलर है वो यहाँ पर नज़र आएगा, जिससे आपका जो थंबनेल है काफ़ी अट्रैक्टिव नहीं बनेगा। तो सिंपली मैं आपको PNG यूज़ करके दिखाता हूँ आपको PNG कैसे यूज़ करना है। तो सिंपली आपको ऐड फ़ोटो पर क्लिक करना है और जो हमने PNG वाला अभी बनाया है इसको आपको सेलेक्ट करना है। ये देखिए इस पर क्लिक किया और ऐड कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से PNG काम करता है। यहाँ पर देखिए पीछे का बैकग्राउंड का जो वाइट कलर है वो यहाँ पर चला गया है, रिमूव हो गया है। तो ये अगर दोनों में काफ़ी अंतर है तो इस तरीके से आप PNG को बना सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए काफ़ी अच्छा है, ऐसे आप किसी भी फ़ोटो का PNG बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस मुझे आपको यही बताना था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।